नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देख न्यूज में। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई अंतरिम जमानत से संबंधित आदेश में शुक्रवार को संशोधन किया है। अदालत ने सेंगर को बेटी के तिलक समारोह के बाद समर्पण करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि सेंगर को उसकी बेटी की शादी से पहले फिर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने पहले सेंगर को 2 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। उच्च न्यायालय को शुक्रवार सुबह सूचित किया गया कि सेंगर को तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसके बाद उसने पीड़िता की याचिका पर सेंगर को दी गई अंतरिम जमानत से जुड़े आदेश में संशोधन किया। पीड़िता ने अपनी याचिका में यह कहते हुए सेंगर की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की थी कि उसे और उसके परिवार को खतरा है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति पूनम ए बांबा की पीठ ने निर्देश दिया कि सेंगर 1 फरवरी को जेल प्राधिकारियों के सामने समर्पण करेगा क्योंकि उसकी बेटी का तिलक समारोह 30 जनवरी का है। पीठ ने कहा कि सेंगर को 6 फरवरी को एक बार फिर अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किया जाए और 10 फरवरी को दोबारा समर्पण करे क्योंकि उसकी बेटी की शादी 8 फरवरी को तय है। पीठ ने इससे पहले 16 जनवरी को सेंगर को उसकी बेटी की शादी के मद्देनजर 27 जनवरी से 10 फरवरी तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद पीड़िता ने कहा कि अगर कुलदीप सेंगर को जमानत मिलती है तो मुझे और मामले के गवाहों को काफी ज्यादा खतरा है। वहां के सभी सरकारी अधिकारी उसके नियुक्त किए हुए हैं। मेरी गुजारिश है कि उसे रिहा न किया जाए वरना वह मुझे मरवा भी सकता है। इस वीडियो में केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देख न्यूज़।